अभी हम है लोधीपुर में और अभी हम आए यहाँ पे पटना सिटी सेंट्रल में। देख सकते हो हमारा सिटी सेंट्रल मॉल यार, आज संडे है और आज बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। ये लिफ्ट का एरिया है गाइस, यहाँ वाला सीढ़ी भी है, आप इससे भी जा सकते हैं, लिफ्ट से भी जा सकते हैं। तो यार यहाँ का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर अभी हम लोगों ने परमिशन लिया है मॉल से ब्लॉगिंग करने के लिए। यहाँ पर एक अप्लीकेशन उन्होंने भरवाया हमसे। आपको मॉल कैसा लगा? मॉल भाई पटना में तो अभी यूनिक है। पटना में गए कुछ शॉपिंग भी किए, दो तीन शॉप में। 8R के ब्लॉग्स के नाम से चैनल है जार्डन, और जैसे कि हरियाली बहुत है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिसार के ब्लॉग्स। तो गाइस अभी हम है लोधीपुर में और अभी हम आए यहाँ पे पटना सिटी सेंट्रल में। देख सकते हो मेरे पीछे, जो कि इसका ओपनिंग 9 तारीख को हुआ था, बट हम किसी रीजन की वजह से नहीं आ पाए थे, काफ़ी लेट हो गया आने में। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको पटना सिटी सेंट्रल अंदर से घुमाते हैं। और ये मॉल काफ़ी बड़ा है, बिहार का सबसे बड़ा मॉल है गाइस। तो अंदर चलते हो और आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो हमारा सिटी सेंट्रल मॉल यार, आज संडे है और आज बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, और इतने ज़्यादा क्राउड है इसको बता नहीं सकते। और पता नहीं अभी अंदर जाने का एंट्री शायद यहाँ सामने से है। तो चलते हैं फिलहाल अंदर और आपको अंदर चल के यहाँ का सीन दिखाते हैं, और बिना किसी देरी के करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। और इधर से फिलहाल चलते हैं पहले अंदर मॉल के, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि मॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे सुनने में आया है कि शायद मूवी थिएटर भी लगने वाला, बट वो चालू हुआ है कि नहीं वो पता नहीं। तो चलते हैं अंदर और पता करते हैं। तो गाइस देख रहे हो अभी हम इसके ऊपर चल रहे थे, यहाँ पे गाइस लेजर्स होता है, बट अभी लगता है शायद चालू नहीं हुआ है, एंड उसके चालू होने का वेट करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे इस लेजर शो को दिखाने के बाद। तो इसका चालू होने का वेट करते हैं, तब तक हम लोग अंदर घूम करके आते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो हम लोग मॉल के अंदर एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे एक शॉप है डिजिटल प्लानेट के नाम से, और यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं गाइस। यहाँ पे शायद KFC है और भी मैकडोनल्ड्स, ये सब मैकडोनल्ड्स नहीं है सॉरी, KFC है, डोमिनोज जैसे पिज़्ज़ा वज्ज़ा का भी शॉप है यहाँ पे। ये लिफ्ट का एरिया है गाइस यहाँ, और इधर से लिफ्ट वाला सीढ़ी भी है, आप इससे भी जा सकते हैं, लिफ्ट से भी जा सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं गाइस, पटना में ऐसा कुछ बहुत पहली बार है। तो गाइस ऐसा मॉल पटना में फर्स्ट टाइम बनाया है। तो गाइस ऐसा वन मॉल टाइप का पटना में कुछ फर्स्ट टाइम बनाया है, क्योंकि अभी तक पटना में एक PN मॉल था, एंड देन ये मॉल उससे भी बड़ा है। यहाँ पे ऑल इन वन सभी चीज़ें हैं, और ये सब देख करके गाइस लगता नहीं है कि हम पटना में हैं, ये देख करके लग रहा है गाइस हम मुंबई या फिर दिल्ली में हैं। देख सकते हो यार यहाँ का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे जो मूवी का भी सीन है वो भी चालू होने वाला है, बट अब वो अभी हुआ नहीं है, वो कब तक होगा अभी कोई खास जानकारी नहीं है। इधर मॉल तो बहुत ही अच्छा बनाया है, बट यहाँ पर अभी हम लोगों ने परमिशन लिया है मॉल से ब्लॉगिंग करने के लिए। यहाँ पे एक अप्लीकेशन उन्होंने भरवाया हमसे, अप्लीकेशन का फ़ोटो लेकर के उन्होंने बोला कि आप रख लो, अगर कोई भी मॉल में रोकता है ब्लॉगिंग करने से तो आप उन्हें ये दिखा देना। तो ये एक चीज़ अच्छा है गाइस, इसकी परमिशन लेकर के हम आराम से ब्लॉग कर सकते हैं, तो अब कोई टेंशन नहीं है। अगर और भी कोई अगर वीडियोज़ बनाने आते हैं, ब्लॉगर है उनका यूट्यूब पर चैनल है, तो उन्हें भी यहाँ से परमिशन लेना होता है। देन ये शायद अभी तक किसी यूट्यूबर या किसी ब्लॉगर ने ये चीज़ नहीं बताया, बट मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ। तो चलते हैं ऊपर और आपको और आगे का सीन दिखाते हैं। और गाइस इस मॉल में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, नायका हो गया और भी जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उतना तो मैं जानता नहीं, बट वो सारे के सारे इस मॉल में अवेलेबल हैं। और अभी फिलहाल ऊपर चलते हैं और ऊपर का आपको सीन दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं कि भाई आपको मॉल कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा है, पिछले संडे को भी आया था और इस संडे आप दोबारा आ रहे हैं ऐसे, तो अभी तक हम फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं इस मॉल में। आपको मॉल घूमने में बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है। तो मतलब पटना में तो ऐसा कुछ बहुत पहली बार है, पटना का बिगेस्ट मॉल है। सही बात, मतलब बिहार का ही है, पूरे PN मॉल से कुछ ज्यादा ही, PN मॉल से आकर्षित ज्यादा कर रहा है लोग। और ये तो काफी बड़ा डिस्टेंस में बना है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो गाइज यहाँ पे दर्शकों को मॉल काफ़ी अच्छा लग रहा है और बोल रहे हैं कि मॉल वो यहाँ पे दोबारा भी घूमने के लिए आ रहे हैं, तो हम तो भी आज फर्स्ट टाइम आए हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं और कुछ लोगों से और थोड़ा बातें करते हैं। फाइनली
भी मेरा मोबाइल पता नहीं अचानक से क्या हो गया था, करप्ट हो गया था कि क्या हो गया था पता नहीं, लेकिन वीडियोस चल नहीं रहा था तो मैं तो टेंशन में आ गया, फ़ोन ऑन ऑफ किया तो अभी लगभग ठीक है। तो अभी प्रिंस भाई का स्टोरेज हो गया फुल, और प्रिंस भाई आपको क्या कहना है इस बारे में? बेचारे भाई का स्टोरेज फुल हो गया, अब भाई का स्टोरेज पूरा फुल हो गया, भाई उसको खाली कर रहे हैं उसका, तभी बैठ करके खाली करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं और आप कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं मॉल के बारे में क्या बोलते नहीं बोलते। तो गाइज यहाँ का सबसे मस्त चीज़ें देख सकते हो, डू नॉट टच का बोर्ड लगा हुआ है कार पे, तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे ये जो कार है पता नहीं कौन से ज़माने की कार इन्होंने लगा रखा है। तो गाइज देखिए ये गाड़ी वैसे देखने में तो बहुत बढ़िया है, पता नहीं किस चीज़ से बनी है, ऐड पूछते हैं क्या किस चीज़ से बना हुआ है कार, किस चीज़ से बना हुआ है, मतलब रियल है? रियल था, नकली है, मतलब मतलब टच मतलब लिखे डू नॉट टच वहाँ, मतलब तो डू नॉट टच का बोर्ड क्यों लगाया हुआ है वहाँ पे? स्क्रैच ना छूने की वजह से स्क्रैच आ रहा है इसमें, ठीक है आप मीडिया वाले हैं, ये हैं ब्लॉगर है ध्यान, तो बताइए ना थोड़ा गाड़ी के बारे में। परमिशन लेना पड़ता है सर, लिए हुए परमिशन आप किसी, आपको जानकारी है तो आप बता सकते हैं ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलो तो गाइस यहाँ पे तो बता नहीं रहे हैं बट चले कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं और पूछते हैं पब्लिक को से। तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर बनाया हुआ है, क्या ही बोले इस मॉल के बारे में, मॉल एक्चुअल में बहुत ही मस्त बनाया है और इतना बड़ा हुआ है इसकी घूमते घूमते पैर में दर्द हो गया पता नहीं अभी, और तो लगता है फर्स्ट, अभी फर्स्ट फ्लोर पर है ना हम लोग, अभी फर्स्ट फ्लोर पर गए, अभी सेकंड और थर्ड फ्लोर बाकी है, फर्स्ट फ्लोर घूमते घूमते मेरे पैर में दर्द हो गया है। एंड ये देख सकते हो, ये चेक करो गाइस, दिस वॉज द टेडी, ये मस्त है यहाँ पे, मतलब ये गाइस है ये जो प्लेन में लोग जाते हैं तो उनको मतलब सोने के टाइम में दर्द ना हो इसके लिए ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ें हैं। तो चलते हैं, तो गाइस यहाँ पे भैया मिले तो इनसे पूछते हैं कि मॉल कैसा, अभी तो भैया आपको मॉल कैसा लगा? मॉल भाई पटना में तो अभी यूनिक है, पटना में ऐसा अभी नहीं है ऐसा मॉल, तो पहले पटना में देखने के लिए मतलब अपना अपना पटना अपना बिहार काफ़ी बदल रहा है, काफ़ी पूरा डिजिटल होते जा रहा है धीरे धीरे कर कर, बिल्कुल। तो आप ये मॉल घूमें पूरा? पूरा तो नहीं घूमे, अभी स्टार्ट ही किया है घूमना। अच्छा, मतलब एक दो शोरूम में गए हैं अभी। अच्छा, मतलब यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अभी? आज तो यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू बात, चलो धन्यवाद। आप भी आप बता सकते हैं आपको मॉल कैसा लगा? मॉल फिलहाल पटना में ऐसा मॉल नहीं है, ऐसा मॉल नहीं, काफ़ी बड़ा एरिया में बनाया गया, बड़ा एरिया है, स्पेशियस है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अभी? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो कैसा लगा आपको मॉल घूम करके? बहुत अच्छा। तो यहाँ का मॉल का कुछ मतलब शॉप वॉप में गए या फिर ट्राई किए कि नहीं? शॉप में गए, कुछ शॉपिंग भी किए, दो तीन शॉप। तो मतलब मॉल के हिसाब से ये कैसा लगा यहाँ का ये रेंज जो है? मॉल के हिसाब से ठीक है, अच्छा मॉल के हिसाब से रीजनेबल प्राइस है, रीजनेबल प्राइस है, मतलब जो हर एक ब्रांड का कपड़ा यहाँ पे मिल जाता है, हर एक ब्रांड का कपड़ा। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो गाइज आप यहाँ पे सुन सकते हैं पब्लिक को कह रहा है कि यहाँ पे मॉल जो है, मॉल काफ़ी अच्छा बना है यहाँ पे, जो मॉल के हिसाब से यहाँ का प्राइस है काफ़ी मतलब रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। तो चलते आगे और आपको आगे वीडियो दिखाते हैं। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बुलेट यहाँ पे लिखा हुआ डू नॉट टच, बट यहाँ पे सभी बैठ बैठ करके फोटो खिंचा रहे हैं, तो कोई नहीं चलो चलते हैं फिलहाल हम लोग अंदर। और इधर देख सकते हो, इधर है हमारा KFC सिर्फ खाने का मतलब जगह रेस्टोरेंट, तो लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भरे पड़े हैं, लोग तो यार कहीं पे भी खाने के लिए ही जाते हैं, गजब बेइज्जती है। बाकी और स्टोर में इतनी भीड़ नहीं जितना यहाँ खाने की जगह पर है KFC में। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पे झूला वाला लगाया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ का माहौल एकदम बढ़िया ही है। 8R के ब्लॉग्स के नाम से चैनल है। तो गाइस यहाँ पे कुछ भैया लोग मिले हैं तो इनसे आइए पूछते हैं मॉल के बारे में। तो भैया आपको मॉल कैसा लगा? मॉल बहुत अच्छा है, आई थिंक बिहार में ऐसा नंबर वन है, PNM मॉल के बाद ये बना है, बहुत अच्छा लगा। बट यहाँ पे मूवी का नहीं मिला, अभी चालू हुआ नहीं है वो, अभी पता किया मैंने तो अभी चालू हुआ नहीं, उसको अभी चालू होने में टाइम है, तो मूवी बस इसी को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा बोरियत टाइप का फील हो जा रहा है, क्योंकि अगर मूवी होता तो लोग बोर नहीं होते यहाँ पे, वहाँ पे जाकर के और ज़्यादा टाइम दे सकते थे, इस वजह से यहाँ पे लोग घूमते घूमते, और इतना बड़ा मॉल है कितना लोग घूमेंगे, इसी वजह से थक जा रहे हैं। और जैसे कि हरियाली बहुत है, ठीक है भैया, ठीक है आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू, इंस्टा फॉलो करना तो बताइएगा भैया तब तो आईडी बस कार्तिक लिखना, कार्तिक आर्डन के बाद सेकंड मिलेगा, ठीक है।
तो भैया से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने बहुत ही मजाक किया था। तो फिर चलते हैं आगे और आगे का आपको दिखाते हैं। गाइस देख सकते हैं पहले बिहार का यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही मस्त लग रहा है। बस इसमें अगर लाइट एलईडी लाइट होता तो और ज़्यादा मस्त लगता। तो गाइस यहाँ पर है बच्चों के लिए टी टाइम जोन, तो यहाँ पे गेम और फन बहुत ज़्यादा ही होने वाला है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे गाइस इतनी क्राउड हो रखी है कि क्राउड की वजह से कुछ भी देखने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सो यहाँ पे आप चेक करिए, थोड़ा सा मिस हो गया। तो गाइस यहाँ पे बच्चों के लिए पूरा का पूरा फन का यहाँ इंतजाम किया गया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ, आप चेक करें, एकदम गेम का रियल फील ले रहे हैं यहाँ पे बच्चे। ये रियल वाटर है गाइस, देख रहे हैं यहाँ पे गेम का पूरा रियल फील ले रहे हैं यहाँ पे बच्चे। तो बच्चों के लिए एरिया काफ़ी मज़ेदार है गाइस, बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट। आप ये देखो यार, ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार गेम है यार, एकदम 3D फील के साथ। यहाँ पे आपको एक चश्मा मिलता है और उसमें बैठा जाता है, एकदम रियल फील आपको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे एक भैया मिले हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं मॉल के बारे में। तो भैया मॉल आपको कैसा लगा? सही है, सब कुछ है, और कुछ कुछ जो नहीं है वो ओपन हो रहा है, मतलब जितने भी शोरूम्स हैं सब, जैसे किलर हो गया, मानवर हो गया, जितना भी है, जितना ही बड़ा बड़ा मॉल है या जितना भी। अभी मैं फूड कोर्ट देखा नहीं हूँ तो अच्छा, उसका आइडिया है नहीं। अच्छा। तो लेकिन जितना भी है सब सही है, अच्छा, मतलब बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफी एंटरटेनमेंट का चीज है। हाँ शायद होंगी, मैंने देखा नहीं है। अच्छा, और ये मूवी का आईमैक्स शायद आने वाला है, आईनॉक्स आने वाला है, अभी तक शायद आया नहीं है। तो आपको उस हिसाब से अगर ये मॉल कैसा लग रहा है, मतलब अब पटना में जितने मॉल हैं उससे सबसे अच्छा यही लग रहा है, जितना सब कुछ एक जगह है यहाँ। हाँ यहाँ पे सब एक जगह, ऐसा पटना में पहली बार कुछ बना ना। हाँ, मतलब ये लग नहीं रहा है कि पटना में हम लोग हैं, लग रहा है कि बाहर के मॉल में। ऐसा कुछ नहीं है, लग पटना में ही है, मतलब ठीक है। ऐसा मॉल मतलब देखने के लिए पटना में तो पहले मिला नहीं ना, मतलब ऐसे तो बाहर बाहर शहरों में, दिल्ली मुंबई में ऐसे मॉल होते थे जहाँ पे सभी चीज़ें एक जगह होता। हाँ अच्छा है, और अभी इसमें और देख रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नया आ रहा है, तो अभी बाकी है बहुत सारा। ओके भैया, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं भैया से बात करते हैं, भैया तो आपको मॉल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मॉल का, मतलब यहाँ का मतलब सारा चीज़ एक ही मॉल में आपको मिल रहा है। वो तो आए ही, तो यहाँ पे आपने कुछ शॉपिंग वॉपिंग किया या नहीं? अभी तो तुरंत आए हैं। अच्छा अभी आप आए? अच्छा अभी देख रहे हो, और यहाँ पे KFC पिज़्ज़ा हट सारा, मतलब सारा चीज़ तो यहीं पर है, अवेलेबल है। वही तो देख रहे हैं अभी, घूम घूम के देख रहे हैं, अभी पूरा देखे नहीं है। अच्छा पूरा देखे नहीं है, तो ठीक है भैया, तो आप पहले पूरा घूम लीजिए, फिर अगर मिलते हैं आपसे। ओके थैंक यू, बात करके अच्छा लगा भैया। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे ब्लेजर लाइट शो हुआ है, और क्राउड आप चेक कर सकते हो मेरे पीछे। तो भाई चेक दिस क्राउड, बहुत मस्त ब्लेजर शो था यार। तो चलते हैं अभी फिलहाल नीचे, और फिर अपने गाड़ी लेते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। आई होप कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, तो नीचे चल के एंड करते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पार्किंग एरिया में आ चुके हैं अपनी गाड़ी को लेने के लिए। तो देख सकते हो गाइस, उसको लेने के लिए हमें ये कार्ड मिला है जब एंट्री कर रहे थे उस टाइम पे। तो इस कार्ड का ऐसे तो सभी जगह पे चिरकुट टाइप का, मतलब कागज़ का एक टोकन मिलता है, एंड देन यहाँ पे सिटी सेंट्रल मॉल में पूरा का पूरा कार्ड मिला है, और यहाँ पे लोगो भी बना हुआ है, आप देख सकते हो पूरा मॉल का लोगो छपा हुआ है। तो गाइस चेक करो, ये रही अपनी स्कूटी। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से बाहर, अब इस कार्ड को पैसे, मतलब इस कार्ड को कहाँ देना है तो पता नहीं, बाहर चलते हैं एंड देन देखते हैं। तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग लॉन्ग, सो तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।